बिग बॉस 9 की कंटेस्टेंट रही प्रिया मलिक। इन दिनों अपनी दूसरी सगाई और शादी को लेकर काफी सुर्खियों में। हम आपको प्रिया मलिक की दूसरी शादी की पूरी कहानी डिटेल में बताएंगे, लेकिन उससे पहले प्रिया मलिक के मुंह से वो सच निकल गया जिसे वो किसी के सामने लाना ही नहीं चाहती थी। वो सच जिसे वो कई सालों से छिपाए रखी हुई थी। वो सच कोई नहीं बल्कि प्रिया मलिक के पति हैं। वैसे तो प्रिया मलिक अपनी पहली शादी का जिक्र भी नहीं करना चाहती थी और वो कह भी चुकी हैं कि वो ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जरूर कोई बड़ा किस्सा रहा होगा जिसकी वजह से प्रिया मलिक अपनी पहली शादी याद भी करना नहीं चाहती है। लेकिन लोगों के बार बार पूछने पर प्रिया मलिक ने अपना मुंह खोल ही दिया और फिर जो लोगों ने सुना उसे सुनकर हर कोई हैरान है। आमतौर पर आपने भी देखा होगा, पति पत्नी के रिश्ते के टूटने की कगार तब ज्यादा बढ़ जाती है जब इनके बीच किसी तीसरे इंसान की एंट्री होती है। वो तीसरा इंसान गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या फिर ससुराल वाले भी हो सकते हैं। लेकिन प्रिया मलिक और उनके पहले पति के बीच ऐसा कोई तीसरा इंसान था ही नहीं, या यूं कहें कि प्रिया मलिक बताना ही नहीं चाहती है, क्योंकि प्रिया मलिक अपने रिश्ते को प्राइवेट रखना चाहती है और अच्छी भी बात है। लेकिन फिर भी प्रिया मलिक ने बताया कि पहली शादी तोड़ने का कोई शौक नहीं था, क्योंकि मेरे पति ने ना ही कभी मेरे साथ हैवानियत की, ना जोर जबरदस्ती और ना ही कोई रोक टोक लगाई। वो एक अच्छे इंसान थे और अब भी है। मैं खुश हूँ कि हमारा रिश्ता रिस्पेक्टफुली खत्म हुआ। वो भी खुश है और मैं भी खुश हूँ। अब लोग हैरान इसलिए हैं कि जब प्रिया को अपने पति में कोई बुराई, कोई कमी नहीं नजर आई तो उन्होंने उनसे तलाक क्यों लिया। चलिए, ये तो उनका पर्सनल मैटर रहा होगा, शायद इसलिए वो खुलकर बात करना नहीं चाह रही है। अब कुछ तो हुआ ही होगा जिसकी वजह से प्रिया मलिक ने तलाक लेकर दूसरी शादी की प्लानिंग भी कर ली। वीडियो में देखिए जब प्रिया मलिक ने एक साल पहले की सगाई की फोटो इस साल शेयर करके लोगों को झटका दे दिया। प्रिया मलिक ने अपनी दूसरी सगाई को भी एक साल तक छिपा कर रखा। इसमें भी कोई उनका पर्सनल मैटर हो सकता है। बिग बॉस 9 से सुर्खियों में आ चुकी एक्ट्रेस प्रिया मलिक ने अपनी सगाई और शादी की खबरों से लोगों को झटका ही दे दिया। एक तरफ प्रिया मलिक ने इस खास दिन को लोगों की नजरों से साल भर तक छिपा कर रखा। जी हाँ, प्रिया मलिक ने दिल्ली के बिजनेसमैन करण बख्शी से सगाई कर ली है, वो भी एक साल पहले। जी हाँ, प्रिया मलिक ने दिल्ली के गुरुद्वारे में करण बख्शी के साथ पिछले साल अक्टूबर में सगाई की थी, जिसकी फोटोज उन्होंने अब शेयर की है। फोटो देखकर लोगों का दिमाग चकरा गया, क्योंकि प्रिया मलिक तो शादीशुदा है और लोगों को पता भी नहीं चला कि उन्होंने तलाक कब ले लिया। क्योंकि प्रिया मलिक तो शादीशुदा है और उन्होंने कब तलाक लिया और कब दूसरी सगाई की, लोगों को पता ही नहीं चला। प्रिया मलिक को अपनी ये खुशी शेयर करते हुए कुछ घंटे भी नहीं बीते कि उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाने लगा। लोग उन्हें बुरा भला कह रहे हैं, वहीं कई लोग उन्हें बधाइयां भी दे रहे हैं। प्रिया करण की सगाई की फोटो में दोनों एक दूसरे के हाथ पे हाथ डाले गुरुद्वारे में बैठे। प्रिया व्हाइट लहंगे पर मैचिंग स्टाइलिश दुपट्टे के साथ बेहद खूबसूरत नजर आ रही है। वहीं करण बख्शी भी सिर पर रुमाल बांधे परफेक्ट दिखाई दिए। इन फोटोज को शेयर करते हुए प्रिया ने लिखा, आपको बताने का समय आ गया। 2019 की तारीख में मुझे मेरा 1999 मिला था। प्रिया और करण अगले साल यानी 2021 में शादी भी कर सकते हैं। प्रिया ने कहा कि नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको बता दें, प्रिया ने अपने तलाक पर ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर कहा कि कुछ साल पहले ही हमने आपसी सहमति से तलाक ली लिया। प्रिया मलिक के काम की बात करें तो एक्ट्रेस बिग बॉस 9 का हिस्सा रह चुकी है। बिग बॉस में प्रिया की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी। इससे पहले एक्ट्रेस रियलिटी टीवी शो बिग ब्रदर में भी नजर आ चुकी और कई फिल्मों में भी नजर आ चुकी है। प्रिया मलिक सिर्फ एक अच्छी एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि एक जानी मानी क्रिएटर और पोइटर भी है। वो अपनी कविताएं भी लिखती है। प्रिया से पहले नेहा कक्कड़ ने भी चटमंगनी और पट बिहा किया था। नेहा की शादी का सोशल मीडिया पर खूब बज देखा गया। नेहा अपनी शादी के लहंगे को लेकर भी काफी ट्रोल हुई। नेहा ने भी काफी टाइम तक अपने और रोहन प्रीत के रिलेशनशिप को छिपा कर रखा था। नंबर वन सिंगर नेहा कक्कड़ इंडस्ट्री में आज किस जगह पर है वो आप सभी जानते हैं, और आप ये भी जानते होंगे कि नेहा खुद से भी ज्यादा अमीर लड़के से शादी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने रोहन प्रीत को क्यों चुना। वैसे तो रोहन प्रीत भी ठीक है, लेकिन नेहा कक्कड़ के मुकाबले रोहन प्रीत कम है। जी हाँ, कमाई के मामले में नेहा कक्कड़ ऊपर है और रोहन प्रीत उनके मुकाबले कुछ भी नहीं है। वो आज महंगी सी महंगी गाड़ियों में घूमती है
और उनका अपना खरीदा हुआ आलीशान बंगला भी है। वो जो चाहे वो आज खरीद सकती हैं। वो एक गाने के लिए आज 8 से 10 लाख रुपए चार्ज करती हैं, वहीं लाइव कॉन्सर्ट में गाने के लिए वो 20 से 25 लाख रुपए चार्ज करती हैं। जी हाँ, नेहा कक्कड़ की नेटवर्थ 3 मिलियन है। इन आंकड़ों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि नेहा कक्कड़ कितनी अमीर होगी। वहीं रोहन प्रीत की बात करें तो पहली बात तो वो नेहा से 7 साल छोटे हैं। उसके बाद उन्होंने अपने करियर की शुरुआत भी अभी जल्दी ही की थी। नेहा की तरह वो भी मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं। फर्क इतना है कि नेहा ने शुरू से इतनी गरीबी देखी है कि वो कभी उन दिनों को नहीं भूल सकती हैं। तो वहीं पटियाला के रहने वाले रोहन प्रीत स्पोर्ट्स पर्सन के बेटे हैं। रोहन प्रीत के पिता का नाम गुरिंदर पाल सिंह है, जबकि माता का नाम दलजीत कौर है, जो कि हाउसवाइफ है। रोहन प्रीत की 2 बहनें भी हैं। रोहन प्रीत एक सिंगर के अलावा रियलिटी शो राइजिंग स्टार सीजन 2 सारेगामा लिटिल चैंप्स में भी दिखाई दे चुके हैं। सारेगामा लिटिल चैंप्स में रोहन प्रीत सिंह ने पहला रनर अप पोजीशन हासिल किया। कुल मिलाकर रोहन प्रीत $1 मिलियन की संपत्ति के मालिक है, जो कि नेहा के मुकाबले कम है। हाल ही में रोहन प्रीत ने नेहा के साथ नेहू दा ब्याह गाना साथ गाया था। रोहन प्रीत के इस गाने में नेहा का नाम जुड़ते ही रोहन प्रीत लाइमलाइट में आ गए। नेहा और रोहन प्रीत ने बहुत कम टाइम एक दूसरे को जानने में लगाया और जल्दी शादी कर ली। नेहा ने हाल ही में अपने और रोहन प्रीत के रिलेशनशिप को लेकर भी खुलासा किया था और देखते ही देखते दोनों ने शादी रचा ली। सोशल मीडिया पर इनकी शादी का खूब बज देखा गया। शायद नेहा दोबारा धोखा नहीं खाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपने इस प्यार का शो नहीं किया। जी हाँ, रोहन प्रीत से शादी करने से पहले नेहा को हिमांश कोहली से धोखा मिल चुका है। ससुराल में नई नवेली दुल्हन के स्वागत में खास तैयारियां की गई थी, जिसे देखकर नेहा की आंखें भर आईं। ढोल नगाड़ों के साथ नेहा का ससुराल में स्वागत किया गया। अब पंजाबी परिवार है तो ढोल और नगाड़ों के साथ शोर शराबा होना तो जायज है। सास ससुर ने नई नवेली दुल्हन को बीच में खड़ा करके पंजाबी गाने गाकर स्वागत किया, जिसके बाद नेहा और रोहन भी खूब नाचते दिखे। इस मौके पर नेहा पिंक कलर का सूट पहने थी, मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ा और गले में मंगलसूत्र पहनी नेहा बेहद खूबसूरत दिख रही थी। वहीं रोहन प्री ट्रैक सूट पहने दिखाई दिए। उसके बाद नेहा के ससुराल की अंगूठी वाली रस्म की वीडियो भी खूब वायरल हुई। अंगूठी वाली रस्म में भी नेहा ने ही बाजी मारी। ससुराल वाले भी बहू को देखते ही रह गए। नेहा की शादी में बेशक परिवार और खास दोस्त ही शामिल थे, लेकिन सभी ने खूब एंजॉय किया। वो तो आपने सोशल मीडिया की फोटोज और वीडियो देखकर अंदाजा भी लगा लिया होगा।